एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम इयररिंग्स बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी गोल्डन कलर की आई पिंस ली है और स्टोन लिया है रेड कलर का चौकोर शेप का, और बकरम शीट ली है जिसको मैंने चौकोर शेप में कट किया हुआ है, और ये सारे वाइट पर्ल लिए हैं, लॉरल्स लिए हैं, चौकोर शेप का फ्रेम कुंदन लिया है और गोल्ड शेप के भी कुंदन लिए। तो सबसे पहले जो आई पिन है आई पिन को कट कर देंगे और इसके अंदर हम लॉरल्स को डाल देंगे, और जो आई पिन है इसको हम थोड़ा सा वी शेप दे देंगे, मतलब हुक के शेप में हम इसको कर लेंगे। और जो आई पिन है आई पिन के अंदर लॉरल्स को डाल देंगे, और जो पर्ल है पर्ल को भी इसमें डाल देंगे, और इसी तरह से हम सारी आई पिन को रेडी कर लेंगे, कम से कम 5। और इसके बैक वाले पार्ट पर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, और ये जो आई पिन को हमने रेडी किया था तो इसको भी इस पर लगा देंगे। और ये जो हुक हमने रेडी किया है आई पिन से, इसको भी हम इसके बैक वाले पार्ट पर लगा देंगे। और अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है हैंडमेड ज्वेलरी की, जैसे नोज पिन, नोज रिंग, फ्लावर ज्वेलरी या फिर ब्राइडल लटकन, तो इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी वीडियोस के लिंक को डालकर रखा है, तो आप क्लिक कर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिए। हुक लगाने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे, तभी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इस पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है, फ्रेम कुंदन लिए हैं, तो फ्रेम कुंदन को सबसे पहले हम बीच में लगा देंगे चौकोर शेप के फ्रेम कुंदन को। और अगर आपके पास ये कुंदन नहीं है तो आप इसकी जगह पर स्टोन चेन का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं गोल शेप के कुंदन को भी आसपास लगा दूँगी। एंड देखिए जो इयररिंग्स हैं वो रेडी हो गए हैं, और इसके जो मैच का टीका है उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है अपने चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई न्यू वीडियोज़। बाय।